मैं सब मौजूद हूँ सिक्स रोड पर, और यहाँ पर कुछ मीडिया इंडस्ट्री से और कुछ आर्टिस्टों की जानिब से एक सैलाब जदगान के लिए कैंप लगाया गया। यूँ कहिए कि हर तबका फिक्र जो है वो इस वक्त उन मुतासरीन जो तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद बताए जा रहे हैं जिनके तमाम घर बार सब कुछ खसो खाशाक की तरह सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं। और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं सईद बाबा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये बताएं कि आपने कब से कैंप लगाया और फौरी तौर पर आपको क्या समझ आता है कि क्या ज़रूरत है? एक्चुअली जी मैं और सुल्तान रुमेल साहब, मैं सईद अली बाबा, हम तो मुख्तलिफ महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, और मैं रात को भी सवात गया था, वहाँ से होके आया हूँ। बहुत बुरी हालत है, 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो चुके हैं। ये जो कैंप है बेसिकली हमारी ब्यूटिशियन इंडस्ट्री के लोगों ने इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया। रात से हमारी मीटिंग चल रही थी और यहाँ पर ये इन लोगों ने कैंप लगाया। इसके अंदर हम आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, मीडिया के लोग भी आ रहे हैं, और आम आवाम से भी हम मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। आपके चैनल के रेफरेंस से भी हम कहेंगे हमारे अहमद नवाज़ भाई हैं या अमीन नूर भाई हैं, ब्यूटिशियन इंडस्ट्री से हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं सईद अली बाबा, मेरा नाम आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, जो लोग दूर हैं मदद करना चाहते हैं वो हमसे इस तरह भी रब्ता कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी। तो ये कैंप लगाने का खास शक्ल है, पैसे हैं या जो देखे इस वक्त जो मैं रात को भी होके आया हूँ, पहले मैं सिंध गया था, फिर रात को मैं केपी के सवात से होके आया हूँ, तो वहाँ जो इस वक्त सिचुएशन है, अक्सर लोग जो हैं ये पके हुए चावल और इस तरह की आटा वगैरह दे रहे हैं, तो फिल वक्त इसकी वहाँ ये ज़रूरत नहीं है। वहाँ बिस्किट के पैकेट, खुश्क दूध का पैकेट, मिनरल वाटर हो गया, खजूरें हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गया, यानी इस तरह के ड्राई फूड आइटम्स हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, जूते रिक्वायर्ड हैं, कपड़े, टेंट रिक्वायर्ड हैं, ये इमदाद ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वहाँ पकाने का तो कोई बंदोबस्त नहीं है। सही भी, मैं आखिरी सवाल आपसे यह करूँगा, क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग यानी कि एतमाद, ये जो आप इकट्ठे कर रहे हैं उसकी शफाफियत के बारे से क्या मैसेज है? इंशाल्लाह जी, आप देखें एक काम तो ये है कि दिखा के किया जाता है। मैंने आपको बताया हम पिछले 10 दिन से बड़ी मसरूफियत में हैं और जो हो रहा है लोगों की मदद कर रहे हैं। आज आपने सवाल किया तो मैं बताया मैं इस वक्त पिछले 36 घंटे से मुसलसल जाग रहा हूँ और उन लोगों की हम मदद कर रहे हैं। तो ये आप और हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अगर इसमें कोई फ्रॉड भी कर रहा है तो अल्लाह उससे हिसाब लेगा। आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें, मैं सबसे यही कहूँगा। नहीं वो तो ठीक है, आपने मतलब है खुद अपनी शफाफियत के लिए क्या किया है? इंशाल्लाह जी, कोई भी आके हमें यहाँ चेकआउट कर सकता है, हमसे डिटेल ले सकता है, हमारे साथ जाना चाहे देने के लिए तो साथ जा सकता है, कोई दो नंबरी वाली बात तो है ही नहीं। यानी कि रोजाना की बुनियाद पर आप ऑडिट वगैरह चीज़ों को मेंटेन कर, बिल्कुल आपके सामने है सब कुछ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। ये देख लें जनाब, यहाँ पर अगर कोई अहबाब यहाँ पर आना चाहता है तो वो सिक्स रोड पर आकर यहाँ पर अपने अतियात सामान चीज़ें वो मुहैया कर सकता है। मौजूद हूँ रावलपिंडी के सदीक चौक पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैंप लगा हुआ है, और ये कैंप जो है सैलाब जदगान के हवाले से JDC ने लगाया है। जैसा कि आपके इल्म में है कि JDC जो है पूरे पाकिस्तान में जो है वो कैंप भी लगा रही है, और बिलखसूस वो अफेक्टेड एरियाज जहाँ पर मुतासरीन सैलाब ज़्यादा हैं, नुकसान हुए हैं, वहाँ पर उनकी जो फलाही सरगर्मियाँ हैं वो सब देख रहे हैं। और मैं गुज़श्ता रोज़ से कोशिश कर रहा था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो भी फलाही हवाले से काम कर रहे हैं उनके पास जाया जाए, उनको देखा जाए और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने 1.5 से 2 घंटा राजा बाज़ार और अतराफ़ में मैंने ट्राई की, लेकिन वहां पर उस तरह कामयाबी नहीं मिली। और अभी मैं निकला हूं तो यहां पर देखा कि ये रावलपिंडी का सदीक चौक है, यहाँ पर JDC का ये एक कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर आप अपनी इमदाद डोनेशन किसी भी शक्ल में, आप इमदाद जो है वो कपड़े की शक्ल में हो सकता है, वो जूतों की शक्ल में हो सकता है, वो राशन की शक्ल में हो सकता है, किसी भी शक्ल में जो है वो आप जमा करा सकते हैं। और इनके पास एक सिस्टम है, और फिर अगर आप डोनेशन करना चाहें तो यहाँ पर रसीद कटवा सकते हैं, और एक पूरा ऑडिट का भी निज़ाम है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हामिद हुसैन। हामिद, कब से लगा ये कैंप? ये कल से लगा है, कल सुबह से। कल से लगा है, इसकी अवेयरनेस अभी तक उस तरह नहीं हुई? नहीं, आ रहे हैं बस। अच्छा। अभी लोग राबिता कर रहे हैं, लोग आके पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या लेके आना है। अच्छा। तो आज सिर्फ इतवार है इसलिए थोड़ा रश कम है, तो रिस्पांस है, लोग अभी लोगों को पता चल गया है। इस वक्त सैलाब जदगान में सबसे जो फौरी तौर पर चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है, अगर कुछ लोग यहाँ पर आपकी तरफ रुजू करते हैं? सर सिंध के लिए हमें पानी और बिस्किट और बुने हुए जो चने हैं, ये 3 चीज़ों की हमारे लिए ज़रूरत है, और टेंट है जो शेल्टर उसके लिए टेंट की ज़रूरत है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो बेसिक फिल फॉर चाहिए हमारे लिए।
अच्छा, तो टेंट यहाँ से भी गए हैं या सारे कराची से जा रहे हैं? कराची और लाहौर से जा रहे हैं। यहाँ से आज हमने भेजना है, हम आज कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह परचेज करके तो यहाँ से भी टेंट कुछ भेज सकें हम। आवाम का मजमूई तौर पर रिस्पांस क्या देख रहे हैं, क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद उस तरह जागा है या अभी थोड़ा सा समझते हैं कि बेदार करने की ज़रूरत है? नहीं नहीं है, जागा है ऑलरेडी। हम कोयटा से हम शुरू हुए थे, यहाँ से हमने कोयटा के लिए जो पहला वो आया है वहाँ यहाँ से कोयटा के लिए सामान भेजा है, फिर राजनपुर और तोनसा के लिए इंशाल्लाह आज हम एक दो गाड़ियाँ हम उसके राजनपुर के लिए और एक दो गाड़ियाँ हमारी कोशिश है हम स्वात के लिए आज रवाना करेंगे यहाँ से। कितना बड़ा नुकसान देख रहे हैं और कितनी बड़ी उसके मुताबिक इमदाद हो रही है वो आप समझते हैं क्या सोच रहे हैं? सर जो हमारी टीम वहाँ मौजूद है उसके मुताबिक तो वहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि मतलब ना घर है ना बाहर कुछ भी नहीं है, लोग सड़कों पर हैं, लोगों के पास ना घर है ना कि मतलब यानी पका के खाने के लिए आग भी गैस या लकड़ी कोई इंतज़ाम नहीं है, इसलिए हम बिस्किट और उसकी अपील कर रहे हैं ताकि मतलब लोग उसको खा के कम अज़ कम कुछ तो उनके पेट में जाए तो गुजारा हो जाएगा उनके एक दो दिन के लिए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बिस्किट और पानी जो है वो सिंध खास कर तो इंसार राजनपुर वाली साइड पे सखर तक हम पहुंचा सकें, हमारी कोशिश ये है। जी बिल्कुल, हामिद ने आपको बताया कि जो फौरी तौर पर जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है कि पानी है, खुराक है और खुराक भी तैयार शुदा, ऐसा नहीं है कि उनके पास खुले आसमान तले कुछ पकाने का स्टोव है या कोई चूल्हा है या कोई लकड़ी है कि वो पका कर खा लेंगे, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। बेसरो सामानी की सूरत हाल में जो वो बचा सकते थे बचा लिया, बाकी भैंसें गायें सब जानवर उनके जो है वो पानी की नज़र हो चुके हैं, मकानात मुनहदम हो गए हैं, जो सारी ज़िंदगी जमा पूंजी थी वो पानी की नज़र हो चुकी है, फ्लड की नज़र हो चुकी है, और ये तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद बताए जा रहे हैं कि जो इस वक्त फ्लड इफेक्टिव हैं और उनकी मदद पूरी कौम बनकर ही की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप कहें कि हम तकसीम किसी उसके ऐसा नहीं हो सकता, लिहाजा पूरी कौम बनी है। हमने 5 अक्टूबर के जलजले में भी 8 अक्टूबर के जलजले में भी हमने जो है पूरी कौम बनकर मदद की और बिलाखिर उस बहरान से निकले, 2010 के सैलाब के बहरान से भी निकले और इंशाल्लाह इस बहरान से भी हम निकल जाएंगे अगर हम कौम बनकर इसका मुकाबला किया तो। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आगे भी मैं देखूँ अगर किसी और का भी कोई कैंप लगा हुआ वहाँ पर भी सूरत हाल देखते हैं, वहाँ की भी बात आपसे पहुँचाते हैं। आप जुड़े रहिए, बहुत शुक्रिया।